आपको मालूम है कि जो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, नासा के साइंटिस्ट, एमआईटी के साइंटिस्ट, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग चांद के बारे में क्या कहते हैं? तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, ये चांद के बारे में कहते हैं कि चांद हमारा नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ये दरअसल एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये पहले एक प्लैनेट हुआ करता था और ये हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर था, ये हमारे सोलर सिस्टम का भी नहीं था। उस प्लैनेट को अंदर से खोखला करके फिर उसे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया गया और फिर उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हमारे सोलर सिस्टम में लाया गया और उसके बाद हमारे अर्थ के ऑर्बिट में बहुत प्रिसाइसली इसे प्लेस किया गया। और मून जब हमारे अर्थ के ऑर्बिट में आया तो हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट हुई, जो अर्थ का जो टिल्ट है 23.5 डिग्री जो टिल्ट है वो एक्चुअली चांद के साथ जो ग्रेविटेशनल लॉकिंग है अर्थ की उसकी वजह से है, चांद की ग्रेविटी की वजह से अर्थ टिल्ट हुई। और अर्थ के टिल्ट होने पे ही जो अर्थ का जो टेम्परेचर सिस्टम है वो रेगुलेट हुआ और चांद की वजह से जो अर्थ में टाइड्स बनते थे उसकी वजह से अर्थ में तमाम सीजन्स आए और उसी की वजह से अर्थ में लाइफ बन पाई, इवॉल्व हो पाई और एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक जा पाई। अब बात उठती है कि साइंटिस्ट इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं कि चांद एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये सब तमाम सब चीज़ें, क्योंकि हमने तो अपनी किताबों में यही पढ़ा है कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो चलिए मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ कि जो साइंटिस्ट का जो ओपिनियन था पहले ये था, अब ये है, इसकी पूरी कहानी क्या है, इतना चेंज कैसे आया। तो 1969 में पहली बार इंसान चांद पे पहुंचे, यूएस ने अपोलो मिशंस किए और एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे भेजा। तो जो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचे वो चांद के अलग अलग हिस्सों से वहां के रॉक्स कलेक्ट करके लाए और इसके अलावा उन्होंने चांद के अलग अलग हिस्सों पे तमाम तरह के इक्विपमेंट्स लगाए, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए चांद को स्टडी करने के लिए। अब जब वो तमाम एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पे वापस आए तो इन रॉक्स की स्टडी करी गई और स्टडी से जो बातें सामने आईं वो बिल्कुल होश उड़ा देने वाली थी। क्यों? सबसे पहली चीज़, जो चांद है वो हमारी अर्थ से भी ज़्यादा पुराना है और हमारी अर्थ तो जाने दीजिए, चांद हमारे सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा पुराना है। दूसरी बात, चांद का जो शेल है वो टाइटेनियम का बना हुआ है। टाइटेनियम यूज़ किया जाता है, वो एक ऐसा एलिमेंट है जो यूज़ किया जाता है स्पेसशिप्स में और स्पेस व्हीकल्स में बेसिकली। और इसके अलावा चांद पे जब एस्ट्रोनॉट्स ने ड्रिल करने की कोशिश करी अपनी ड्रिलिंग मशीन से तो वो लोग चांद की सरफेस पे ड्रिल नहीं कर पा रहे थे। अब तीसरी बात, चांद की सरफेस पे यूरेनियम 236 और प्लूटोनियम 237 जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट मटीरियल मिले हैं। ठीक, पहली बात तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग नहीं होते और दूसरी बात ये एक्चुअली वेस्ट मटीरियल्स हैं जो कि एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स नेचुरली अकरिंग नहीं होती, आर्टिफिशियली अकरिंग होते हैं। और इसके बाद चांद पे और भी कई तरह के प्रोसेस्ड एलिमेंट्स मिले हैं। तो ये सब जब तमाम सब चीज़ें सामने आईं तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि चांद पे जाने से पहले साइंटिस्ट लोग ये सोचते थे कि चांद कैसे बना, कि कोई कॉमेट अर्थ से टकराया और अर्थ के टुकड़े से चांद बना। लेकिन जब ये स्टडी आई तो एक बात तो क्लियर हो गई कि चांद अर्थ का तो हिस्सा नहीं है और अर्थ तो छोड़िए, चांद हमारे पूरे सोलर सिस्टम का भी हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि चांद बहुत ही अलग है स्ट्रक्चर में, रॉक फॉर्मेशन में अर्थ से, और अर्थ तो छोड़े पूरे सोलर सिस्टम से अलग है। अब इसके बाद जो चांद पे जो तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे उनका भी रिकॉर्ड आया और जब उनका रिकॉर्ड आया तो और भी ज़्यादा अजीब था। क्यों? चांद पे हर साल 3000 मून क्वेक्स आते हैं। मून क्वेक्स जैसे अर्थ क्वेक होता है ना, उस तरीके से मून भी क्वेक होता है, पूरा चांद हिलता है और 3000 बार हर साल।
और ये मूनक्वेक्स तब ज़्यादा आते हैं जब चांद अर्थ के थोड़ा सा पास होता है, और ये मूनक्वेक्स उस टाइम पे बढ़ जाते हैं, और इन मूनक्वेक्स का सोर्स चांद के अंदर ही होता है। अब ये सब जब तमाम सब चीज़ें आई तो साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली हो क्यों रहा है और ये पॉसिबल कैसे है और क्यों ऐसा है। साइंटिस्ट ने सोचा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 20 नवंबर 1969 को एक लूनर मॉड्यूल जो है वो चांद से क्रैश कराया गया 4 टन TNT फोर्स के साथ, और बहुत अमेजमेंट वाली बात थी, चांद एक बहुत बड़े से घंटे की तरह बजा है। ठीक है, साइंटिस्ट ने जो सेंटेंस यूज किया था इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, साइंटिस्ट ने कहा था द मून रैंग लाइक अ बेल इन अ चर्च, जैसे एक घंटा होता है टंग, उस वाइब्रेशंस के साथ सोचिए 8 मिनट तक चांद बजा है एक घंटे की तरह। ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से दोहराया गया, अपोलो 135 को क्रैश कराया गया उसके लूनर मॉड्यूल को चांद के साथ करीब 11 टन TNT फोर्स के साथ, और इस बार चांद करीब 4.5 घंटे तक बजा है और इसके रिवर्बरेशंस कई कई देर तक चले हैं, और जो शॉक वेव प्रोड्यूस हुई वो चांद के कोर के अंदर करीब 25 किलोमीटर अंदर तक पहुंचे थे, और इसके अलावा भी और भी कई सारी तमाम चीज़ें थी। तो इन चीज़ों से एक चीज़ तो साफ हो गई कि मून कोई होमोजीनियस स्फीयर नहीं है, चांद अंदर से खोखला है। और ये तमाम बातें बहुत अजीब हैं क्योंकि ये चीज़ समझ से बाहर थी सारे साइंटिस्ट के लिए। और एक और बहुत खास चीज़ ये है कि पहली बात तो ये कि अर्थ एक बहुत छोटा सा प्लैनेट है। ठीक है, इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उनके कंपैरिजन में अर्थ एक बहुत छोटा प्लैनेट है, अर्थ का एक सैटेलाइट होना नहीं चाहिए। और इन केस अर्थ का सैटेलाइट होता भी है तो वो सैटेलाइट जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन मून अर्थ के कंपैरिजन में अच्छा खासा बड़ा है। ये इकलौता ऐसा एनोमली है, हमारे सोलर सिस्टम में 200 मून्स हैं। ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं टोटल मून्स देखा जाए 200 है, लेकिन हमारा ही मून है जो अजीब इतना एनोमलस पेश होता है। और एक और बहुत खास बात, जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं उनका जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट के अराउंड वो एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल यानी कि इस शेप का, ये ऑब्वियसली रूल्स ऑफ फिजिक्स है, लेकिन जो हमारा चांद है उसका जो ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड वो ऑलमोस्ट सर्कुलर, और ये भी अपने आप में इकलौता ऐसा अनोमली है उन सारे 200 मून्स में। अब ये जब सब जब तमाम चीज़ें आई, साइंटिस्ट ने तमाम तरह की रिसर्च करी, स्टडी करी, तो तमाम साइंटिस्ट का मोर और लेस यही कंक्लूजन था। 1972 में रशियन साइंटिस्ट माइकल वेसन और अलेक्जेंडर शर्बेकोव ने सोवियत जर्नल स्पुतनिक में एक आर्टिकल पब्लिश कराया था, इस मून द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी तरीके से दो और किताबें लिखी गई चांद पे, जैसे कि क्रिस्टोफर नाइट की हु बिल्ट द मून, और एक और बुक थी अवर मिस्टीरियस स्पेसशिप मून। ये किताबें बेसिकली दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं उन लोगों के रिसर्च वर्क का कलेक्शन है, और साइंटिस्ट ने एक से एक अजीब अजीब बातें बोली हैं चांद को लेके। जैसे कि नासा के एक साइंटिस्ट हैं गॉर्डन मैकडोनल्ड, उन्होंने कहा था कि एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के मुताबिक मून हॉलो है। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर के एक साइंटिस्ट हैं इरविन शैम्पिरो, उन्होंने कहा था कि चांद का जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि चांद एक ऑब्जर्वेशनल एरर है। इसी तरीके से नासा के साइंटिस्ट थे रॉबिन ब्रेट, उन्होंने कहा था कि चांद नहीं होना चाहिए, हम ये आराम से समझा सकते हैं, लेकिन चांद है और ऐसा है ये समझाना बहुत मुश्किल है। 1969 में इंसान पहली बार चांद पे पहुंचे थे, और 1972 के बाद से चांद पे कोई भी इंसान नहीं गया है। पता नहीं अचानक से 1972 में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद से कोई नहीं गया। और नासा के अकॉर्डिंग चांद पे जाने की जो टेक्नोलॉजी है, जब ये तमाम सब रिसर्च हुई इतने सालों के दौरान, नासा से कई बार पूछा गया
कि आप दोबारा से चांद पे लोगों को क्यों नहीं भेज रहे हो, आप दोबारा से मैंड मिशंस क्यों नहीं कर रहे हो, आप अनमैंड मिशंस क्यों कर रहे हो। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है नासा का कि चांद पे जो जाने की टेक्नोलॉजी थी वो खो गई है या फिर अब वो आउटडेटेड हो गई है और अब वो नहीं हो सकती। तो अब हाल फिलहाल की टेक्नोलॉजी के साथ हम चांद पे मतलब इंसानों को भेजना फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। ये बहुत अजीब सी बात है। खैर, अगली बार कभी भी आप लाइफ में चांद को कभी भी देखना, तो दुनिया भर के सारे काम छोड़ के, अपनी सारे टेंशन सर, जितने ख्याल हों आपको, सारे ख्यालों को साइड करके थोड़ी देर चांद को ध्यान से देखना। और सबसे पहली चीज़ उस चीज़ की ब्यूटी को देखना कि चांद सूरज से 400 गुना छोटा है, लेकिन वो सूरज से 400 गुना पास भी है। वो उस प्रिसाइज ऑर्बिट में है कि इतना परफेक्ट सोलर इक्लिप्स हो पाता है। जिन लोगों ने चांद को बनाया या फिर उस ऑर्बिट पे प्लेस किया, वो लोग उस लेवल की आर्ट में थे। सबसे पहले तो आप एक रिगार्ड रखना कि उस चांद के लिए, कि वो चांद है उसी की वजह से आप हो, और ये वही चांद है जिसके बारे में जो तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, जैसे कि अफ्रीका की जूलू सिविलाइजेशन थी, और इसके अलावा नेटिव अमेरिकन्स थे, एस्टेक्स थे, मायन सिविलाइजेशन थी, ये तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी, वो लोग कहा करते थे कि उनके होली स्पिरिट्स आए थे उनके सिविलाइजेशंस में, उनके गॉड्स आए थे, उनके गॉड्स ने उनको तमाम तरह के आर्ट फॉर्म सिखाए, जीने का तरीका सिखाया, और ये वही होली स्पिरिट्स और गॉड्स थे जिन्होंने उन तमाम सिविलाइजेशंस में अलग अलग जगह पिरामिड्स बनाए और ऐसे तमाम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स बनाए कि आज भी साइंटिस्ट और जो हिस्टोरियंस हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो समझ नहीं पाते कि इतने मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स उस ज़माने में, आज मतलब आज से हज़ारों साल पहले, उस टाइम के बिना पढ़े लिखे गवार लोग, उस टाइम के लोग कैसे बना सकते हैं, साइंटिस्ट लोग आज भी नहीं समझ पाते। ये वही चांद है जिस चांद के बारे में सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस कहते हैं, और ये वही चांद है जिसको क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सारे रिलीजन्स में उसके फुल मून को और न्यू मून को मनाया जाता है। ये वही चांद है जिसको मुस्लिम्स देखकर ईद मनाते हैं, अपना रोज़ा खोलते हैं, और ये वही चांद है जिसको भोलेनाथ अपने माथे पे सजाते हैं। चलिए, थैंक यू।